राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांना बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाने अटक करून त्यांची कोठडीत रवानगी केली आहे. त्यांच्यावर डी गँगसोबत आर्थिक व्यवहार केल्याचा ठपका ईडीनं ठेवलाय. त्यामुळे खारघरमधील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या जनसंपर्क कार्यालयासमोर गुरुवारी निदर्शनं करून नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यावेळी पनवेल महापालिका प्रभाग समिती सभापती संजना समीर कदम, नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, निलेश बाविस्कर, रामजी बेरा, शत्रुघ्न काकडे, सरचिटणीस दीपक शिंदे, कीर्ती नवघरे, युवा मोर्चा अध्यक्ष विनोद घरत, समीर कदम, महिला मोर्चा अध्यक्षा वनिता पाटील, जिल्हा चिटणीस गीता चौधरी, उपाध्यक्ष संध्या शार्बित्रे, सोशल मीडिया उपाध्यक्ष जिल्हा मोना अडवाणी, उपाध्यक्ष बीना गोगरी, संजय घरत, गुरुनाथ गायकर, दिलीप केणी, सचिन वासकर, ज्येष्ठ नागरिक अध्यक्ष नवनीत मारू, मुकेश गर्ग, महिला मोर्चा सरचिटणीस साधना पवार, उपाध्यक्ष प्रतीक्षा कदम, सीमा खडसे, आशा शिंगडे, विपुल चोटालिया, पप्पू खामकर, अशोक पवार, शैलेंद्र त्रिपाठी, रमेश महेंद्रू, स्मिता आचार्य, दुर्गेश, मीनाक्षी अंथवाल आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपस्थितांनी बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांना श्रद्धांजली देऊन नवाब मलिक आणि राज्य सरकाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने उनकी कल धरपकड़ की है, उनके बहुत सारे दाऊद के साथ कनेक्शन का एक तय हुआ है आरोप, तो आरोप के तहत उनको 8 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र प्रदेश की पूरी मांग है कि महाराष्ट्र राज्य की पहले से परंपरा रही है कि जो भी मंत्री अगर इसके ऊपर कुछ बुरा गुना सिद्ध होता है, अगर वो जेल में जाता है, तो वहाँ मंत्री हो या तो मुख्यमंत्री ने आज तक राजीनामा दिया हुआ है. भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की डिमांड है कि अगर नवाब मलिक को पुलिस कस्टडी हुई है तो एक नैतिकता के आधार पर उनको राजीनामा दे देना चाहिए. महाविकास आघाड़ी राजीनामा के लिए राजी नहीं हो रही है. हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने बोला है अगर ये सरकार राजीनामा नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता रोड पे उतर पर आंदोलन करेंगे.